नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। महामेट्रो ने भी मेट्रो ट्रेन की समय सारणी में बदल किए हैं। 24 जून सोमवार से नागपुर मेट्रो के खापरी ऑटोमोटिव चौक, प्रजापति नगर और लोकमान्य नगर मेट्रो स्टेशन, इन चारों टर्मिनल स्टेशन से मेट्रो यात्री सेवा सुबह 8 से रात 8 बजे के बीच हर 10 मिनट में उपलब्ध होगी। स्कूल का एक विभाग शुरू होकर शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्य मंडल के स्कूल भी शीघ्र ही शुरू होने वाली है। स्कूल का समय और छात्र समय पर सुरक्षित स्कूल में पहुंचने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए महामेट्रो ने यह बदल की है। विद्यालय महाविद्यालय शाम 6 बजे तक शुरू रहते हैं। कभी कभार विद्यार्थी अतिरिक्त क्लास में हाजिरी लगाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवा हर 10 मिनट में रात 8 बजे तक विस्तार करने का फैसला किया गया है। उल्लेखनीय है कि नागपुर मेट्रो ने यात्री टिकट संरचना की थी, जिनमें मेट्रो ट्रेन के किराया 33% तक कम हुआ था, जो कि विद्यार्थियों को महाकार्ड पर मिलने वाली 30% डिस्काउंट के अलावा नई संरचना अनुसार विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्रों के लिए यह किराया लगभग 50% तक कम था। यात्री टिकट संरचना से नागपुर मेट्रो की यात्री संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी देखी गई थी। शहर में हाल ही में सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। सुरक्षित यात्रा के लिए मेट्रो से यात्रा करने का आह्वान महामेट्रो की ओर से विद्यार्थियों से किया जा रहा है। साथ ही मेट्रो ट्रेन में कोई भी अतिरिक्त किराया न लेते हुए साइकिल साथ ले जाने की अनुमति प्रदान करती है, जो कि विद्यार्थियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित प्रदान करती है। हर 10 मिनट में मेट्रो सेवा या मौजूदा हर 15 मिनट में मेट्रो सेवा में किए गए बदल है। महामेट्रो ने हाल ही में व्हाट्सएप टिकट सेवा शुरू की है, जिससे केवल यात्रा में समय से बचत होती है। साथ ही टिकट खरीदी के लिए लाइन में रुकना नहीं पड़ता है और टिकट छपाई को लगने वाला कागज का भी जतन होता है। महामेट्रो ने यात्रियों को टिकट खरीदी करने के लिए अनेक पर्याय उपलब्ध कराए हैं, जिनमें टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीन, टिकट बुकिंग ऐप, महाकार्ड 10% डिस्काउंट, विद्यार्थी महाकार्ड 30% डिस्काउंट और साथ ही व्हाट्सएप टिकट का समावेश है। नागपुर मेट्रो की यात्री सेवा सुबह 6 से रात 10 बजे तक उपलब्ध है। विद्यालय और महाविद्यालय छात्रों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से कार्यालयीन कर्मचारी, व्यापारी और व्यवसायिक वर्ग को भी इसका फायदा होगा। आने वाले समय में शैक्षणिक गतिविधि बढ़ेगी। नागपुर मेट्रो विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को आरामदायक और किफायती यात्रा के लिए मेट्रो से यात्रा करने का आह्वान कर रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।